देखिए माहौल एक तरफा माहौल लग रहा है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 20 साल का था तब से मैं चुनावी राजनीति को देखता रहा हूँ कि फादर साहब दादाजी चुनाव लड़े, और उसमें चाहे बीच में एमपीज के चुनाव थे, अभी शैलजा जी का चुनाव देखा, पहले अशोक तंवर जी का कांग्रेस में चुनाव देखा, पर जो उत्साह और जो लोगों का चुनाव लड़ने का ढंग तरीका, जो प्यार इस चुनाव में मिल रहा है, वैसा मैंने अपने 23 साल का, तो मैं कहता हूँ कि मुझे सूझबूझ के बाद, ऐसा मैंने प्यार और उत्साह कभी नहीं देखा। क्या वजह, क्या है इतना रिस्पांस आपको क्यों मिल रहा, बाकी कैंडिडेट दूसरे भी हैं? देखिए ये दो दो बातें हैं इसमें। एक तो जो पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का, उस पे लोग पूरे हरियाणा में विश्वास कर रहे हैं, और लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की विदाई चाहते हैं। दूसरा, जो कालांवाली के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनता उनमें देखती है, उनमें जो जनता का विश्वास है वो शिषपाल पे है। दूसरे चेहरे विश्वसनीय नहीं है, और उन पे कोई ना जनता विश्वास कर पा रही है, और पार्टी ने भी बेमुश्किल से विश्वास किया है क्योंकि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपने देखा होगा सिरसा में क्या हुआ है, वैसी हालात ही कालांवाली में होनी थी कि क्योंकि कोई मैदान में अगर जाए और कुछ भी, कोई भी गांव वाला प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में कौन चुनाव लड़ेगा? तो तमाम चेहरों को देखोगे तो वहां शीशपाल का चेहरा सबसे ठीक मिलेगा। उथल पुथल चल रही है तो यही तो है ना, यही तो पलटेगा राज। तो उथल पुथल जब होती है, आपको पता है, तभी जो समीकरण बदलते हैं, और आज के जो समीकरण हम देखें तो इसमें हरियाणा की राजनीति में भारी उथल पुथल जो देखने को मिल रहा है, ये सत्ता पक्ष के खिलाफ जनादेश का इशारा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार का जनादेश आएगा उसको ना तो आप प्रडिक्ट कर सकते ना हम कर सकते हैं। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की है, आंधी तो हर बार कहते हैं, इस बार तूफान है, इस तूफान में सारी पार्टियां बह जाएगी। आप स्थिति देखिए कि गोपाल कांडा जी ने कहा कि बीजेपी को हम सरकार बनाएंगे, यहाँ एनएलडी का उनके साथ समर्थन है, ये सारे एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। आप एनएलडी हो गया, एनएलडी का अगर 2 सीट है, 5 सीट है, 10 सीट है, जो भी है, वो कहाँ जाएगी? अगर कोई एक सीट भी आती है तो वो बीजेपी के साथ बैठेगी, ये तय है। और ये मुझे ही नहीं पता, ये आम जन को, एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी का, चाहे एनएलडी का कार्यकर्ता, को भी पता है कि ये सब कुछ है, ये मिलीजुली सरकार को बनाने के चक्कर में है, जो इस बार होने वाला नहीं है। इस बार लोगों का मन है, मैंने बताया कि इस बार हमने, पिछली बार जो बटादार हुआ, जैसे 40 सीट आई बीजेपी को, और 10 सीट वाले ने क्या काम किया, जेजेपी ने क्या काम किया, सबके सबको पता है कि किस प्रकार से हरियाणा को लूटने का काम हुआ मिलजुल के। तो इस बार हरियाणा को जनता है लूटने नहीं देगी, एक तरफा मैंडेट देगी।